अभी 48 घंटे पहले की तो बात है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 52 साल के अपने इतिहास में पहली बार नंबर वन टीम बनी थी। बाबर आजम सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे। पाकिस्तान में चारों तरफ खुशियां थी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों को पिछाड़कर वो नंबर वन बन गए हैं, उनका कप्तान नंबर वन है। 100वें मैच में बाबर आजम आ रहे थे, बड़ी उम्मीदें थी कि 100वें मैच में बाबर कुछ करेंगे, पाकिस्तान मैच जीतेगा, लेकिन ये सारी चीजें धराशायी हो गई और पाकिस्तान ने न सिर्फ ये मैच हारा बल्कि नंबर वन पोजीशन भी गवा दी। न सिर्फ नंबर वन गवाई बल्कि अब पाकिस्तान एक बार फिर से नंबर तीन पर पहुंच गई है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 47 रनों से हरा दिया है। ये मैच वैसे तो एक तरफा मैच हो गया था अगर इफ्तिकार की बल्लेबाजी को हटा दिया जाए, आगा सलमान ने भी शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन इफ्तिकार के बारे में कहते भी कि इफ्तिकार जिस मैच में चलते हैं वो मैच बड़ा अनफॉर्चुनेट रहता है। मतलब इफ्तिकार उस हिंदी फिल्म के हीरो की तरह है जिसके साथ सिंपथीज तो जाती है लेकिन जीत सामने वाली टीम की तरफ चली जाती है। याद कीजिए T20 सीरीज में भी ऐसा ही एक मुकाबला हुआ था, इफ्तिकार ने पूरी कोशिश की थी, आखिरी ओवर तक ले गए थे लेकिन उसके बाद मैच हार गए थे। इसके पहले भी कई मुकाबले ऐसे हुए जहां पर इफ्तिकार ने पूरा जोर लगाया है, सिंपथी चचा के पास गई है, लेकिन इफ्ती मेनिया से सोशल मीडिया तक रहा मैच सामने। हालांकि इस मैच पर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले कुछ बयानों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज जितना इंटरेस्टिंग मैच पाकिस्तान में कराची में खेला जा रहा था उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच जो था वो सोशल मीडिया पर चल रहा था। इमाम उल हक आज इस पांचवें और अंतिम मैच में शामिल नहीं किए गए थे और इसको लेकर जबरदस्त चर्चाएं चल रही थी और ये चर्चा की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद इमाम थे। दरअसल इमाम उल हक जो कि बाबर आजम के चड्डी बड्डी फ्रेंड माने जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वाले टाइप के हैं, आज उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि किसी भी इंसान पे जरूर सारा भरोसा नहीं करना चाहिए, याद रखिए अल्लाह देख रहा है। और उन्होंने जो ये ट्वीट किया, ये ट्वीट आज पूरे दिन चर्चा के केंद्र में रहा। आलम यह था कि पोस्ट मैच जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें एक पत्रकार ने बाबर आजम को इमाम कहकर पुकारा, बाबर ने कहा बाबर, फिर कहा भी गया कि बाबर की तरफ से कि आज सभी के दिमाग में इमाम उल हक चल रहे हैं। इमाम उल हक चर्चा इसमें लिए भी है क्योंकि इमाम तीसरे मैच में मैन ऑफ द मैच बनते हैं, उसके बाद एक स्टेटमेंट देते हैं जब उन सवाल पूछा था कि क्या इफ्तिकार को या बाकी लोगों को शामिल किया जाएगा और कहते हैं कि इस टीम में एक्सपेरिमेंट करने के लिए जगह नहीं बची है, इफ्तिकार अहमद के सवाल पर था। और उसके बाद चौथे मैच में वो गायब हो जाते हैं, इफ्तिकार आते हैं अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और पांचवें मैच में तो इफ्तिकार दिल भी जीत के चले। अब सही गलत का पता नहीं लेकिन जितनी जानकारियां पाकिस्तान के सोर्सेस और पाकिस्तान के रिपोर्टर्स के जरिए निकल कर आ रही है उसके मुताबिक इमाम उल हक को आज ड्रॉप किया गया था। चौथे वनडे मैच में वो ड्रॉप नहीं हुए थे, वो चोटिल थे, हैमस्ट्रिंग की शायद प्रॉब्लम थी, और पांचवें मैच में वो ड्रॉप किए गए थे। ये एक कहानी निकल कर आ रही है, खबर जो आ रही है इंटरनल वो ये कि शायद चौथे मैच में फकर जमान ने कहा था कि वो ड्रॉप होना चाहते हैं, रोटेशन पॉलिसी के तहत वो ड्रॉप हो रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इमाम ने कहा कि वो उनको इश्यू है हैमस्ट्रिंग की और वो बाहर बैठ रहे हैं, जो पाकिस्तानी कहानी आ रही है। और उसके बाद शान मसूद को ऊपर खिलाया गया, शान मसूद ने उस मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, अनफॉर्चुनेट थे कि वो उस मैच में आउट हो गए थे, लेकिन पांचवें मैच के पहले इमाम ने कहा कि मैं फिट हूं। अब फकर को हट्टा नहीं था, शान मसूद ने अच्छा खेला था तो उन्हें एक मैच में और मौका देना था और इस वजह से इमाम को बाहर बिठाया गया, विच इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट इमाम के हिसाब से क्योंकि इमाम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और क्योंकि इमाम उल हक ने इससे पहले एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया था तो उस बोल्ड स्टेटमेंट के चलते इमाम को इस खबर से जोड़ा जाने लगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि पाकिस्तान में मुझे लग रहा है कि मैच से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जा रही है तो वो एक बड़ा फैक्टर रही और इसको लेकर चर्चाएं हुई। हालांकि बाबर आजम ने कोशिश की समझाने की कि पाकिस्तान टीम में सब कुछ ऑल इज वेल है, लड़ाई नहीं लड़ रहे खिलाड़ी, जो बातें करते हैं वो इंटरनली करते हैं, लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से फिर पूछ लिया गया कि भाई दूसरे मैच में तो रिजवान ने भी कह दिया था, आप कह रहे हैं कि इंटरनली बात होती है, तो बाबर ने कहा यार रिजवान ने इजहार किया था, इजहार करना थोड़ी ना गलत होता, लेकिन सवाल फिर अंदर बात करना क्या होता है। कई बार ऐसा लगता है पाकिस्तान टीम में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, बाबर आजम के पास बहुत सारी चीजें नहीं है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कहा कि आप वर्ल्ड कप तक के लिए कैप्टन बन गए, बाबर ने कहा मुझे नहीं पता, मतलब हर सीरीज को लेकर अश्योरिटी नहीं है कप्तान को, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि बाबर की परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी कि बाबर को हटाया नहीं जा सकता है और इस ये भी एक बात निकल कर आती है, अदरवाइज मुझे लगता है कि बाबर को सैक करने के पीछे वहां लोग बैठे हैं कि दो सीरीज गंदी खेलो तो मैं सैक कर देंगे। रिजवान का स्टेटमेंट जो था वो कॉन्ट्रोवर्शियल रहा,
एक सवाल इमाद वसीम को लेकर भी आया, क्या इमाद वसीम को खिलाना चाहिए था? तो कहा गया कि इमाद को इसलिए नहीं खिलाया गया क्योंकि ऑलरेडी टीम में नवाज के जाने के बाद दो खिलाड़ी जो स्पिनर ऑलराउंडर थे वो बैठे हुए थे, तो उनको मौका देना था। इमाद को दो मैच के लिए क्या लाते, उतने मौके उनको भी नहीं मिलते। शायद उनके वर्ल्ड कप के वो जो संभावित खिलाड़ी हैं 16-17 उसमें वो नहीं शामिल हैं और इस वजह से भी इमाद बाहर बैठे हैं। हालांकि उनको लाने की मांग कराची से स्पेशली बहुत ज्यादा हो रही है, जो कराची वाले हैं वो चाहते हैं कि आ जाएं। शायद मसूद को लेके भी काफी ट्रोलिंग चल रही थी कि कराची कोटे से खेलते हैं। पाकिस्तान में इंटरनली राइवलरी जो है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर देखकर और मैच देखकर समझ में आती है, लेकिन इमाम वाली कहानी ट्रेंड में है। क्या होगा बाबर को, क्योंकि कम से कम 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ा कि मैंने इमाम का ट्वीट नहीं पढ़ा, मैंने इमाम का ट्वीट नहीं पढ़ा, मैं घर जाकर ट्वीट पढ़ूंगा, मोबाइल में देखूंगा, मैं इमाम से पूछूंगा, इमाम का इससे कनेक्शन नहीं है, इमाम ने क्या कहा था मुझे पता नहीं। तो इतना ज्यादा कप्तान को सफाई देना, या तो कप्तान के पास बहुत पावर नहीं है या कप्तान के पीछे क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो भी होगा वो हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैच में स्कोर कार्ड की बात कर लेते हैं। आज 5वें अंतिम मैच में कराची में बल्लेबाजी करने न्यूजीलैंड की टीम आई, क्योंकि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, टॉस जीतने वो बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आज यंग और टॉम बल्लेबाजी करने आए थे और दोनों ने अच्छी शुरुआत की। 7वें ओवर में टॉम का विकेट गिरता है जब टीम का स्कोर 32 रन होता है, वसीम जूनियर जो है उनका विकेट निकालते हैं और एक अच्छा विकेट जो था वो था। लेकिन आज विल यंग ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर जो है वो मुझे लगता है बहुत अच्छा है कंपैरिजन में उनका जो लोअर ऑर्डर है, लोअर ऑर्डर उनका कर देता है, बाकी टॉप ऑर्डर अच्छी बल्लेबाजी है। हेनरी आए थे, उन्होंने भी थोड़ी पार्टनरशिप, लेकिन 2 विकेट गिरने के बाद पार्टनरशिप अच्छी हुई। कप्तान जो उनके लैथम है और विल यंग, इन दोनों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और 3rd विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। 29 ओवर में 157 रन स्कोर था जब शादाब खान की बॉल पर एक अनफॉर्चुनेट विकेट गिरा विल यंग का। विलियम अच्छा खेले थे, मुझे लगा था शायद आज वो वेल डिजर्व सेंचुरी करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा, रिजवान ने कैच पकड़ा और शादाब को आज 2 अच्छे विकेट मिले। तो पहला विलियम का मिला। इसके बाद लैथम जो है वो अच्छी बल्लेबाजी की, उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद जब वो तो लग रहा था कि थोड़ा तेज खेलेंगे, तब उनका विकेट गिर जाता है, उसामा मीर उनका विकेट लेते हैं। अंपायर तो नॉट आउट देता है लेकिन बाबर रिव्यू लेते हैं और मुझे लगता है यार कि पुराने जमाने में जो टीम हुआ करती थी कितना टफ होता होगा, कितने सारे मैचेस ऐसे होंगे जिनका रुख पलट सकता था अगर सही फैसले हो गए। तो वो रिव्यू जो था ये वाला लैथम का, वो बहुत नहीं, एक करेक्शन करना है, जो रिव्यू लिया गया था दरअसल वो चैपमैन का लिया गया था। हाँ, चैपमैन का रिव्यू था। चैपमैन 43 रन बनाकर खेले थे 33 बॉल में, शादाब खान की बॉल थी और बेहतरीन कैच पीछे रिजवान ने पकड़ा, उसको रिव्यू लिया गया था। लैथम का रिव्यू नहीं गया था, कप्तान का रिव्यू नहीं था, ये करेक्शन करना था मुझे। लेकिन ये चैपमैन जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है क्योंकि हांगकांग के लिए खेलते थे, इनकी माताजी वहां चाइना की शायद हैं, पिताजी न्यूजीलैंड के हैं और इन्होंने अपना हांगकांग के लिए करियर शुरू किया, वहां शतक भी मारा, उसके बाद ये शिफ्ट हो गए क्योंकि इनके पास डबल पासपोर्ट था, मम्मी का भी पापा वाला भी, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग इनका करियर है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, इनके बारे में एक दिन पढ़ रहा था बैठ के मैं, तो मुझे काफी जानकारियां मिली कि कैसे ये कुछ उन खिलाड़ियों में है जो डबल पासपोर्ट लेके हैं और दो दो देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं है और स्पेशली जो शतक मारे हैं वो बहुत कम एग्जांपल है, तो उसमें इनका भी एक नाम है। उसके बाद मैक कॉनिके जो हैं उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की रचिन रविंद्र के साथ और वहां के बाद बहुत खराब स्थिति हो गई। मतलब आप सोचिए कि 283 रन पे 6 विकेट थे और 46 ओवर में थे और 283 से 6 से लेकर आप चले जाते हैं 299 पे ऑल आउट, ये थोड़ा शॉकिंग था और यही पिछले कुछ मैचेस में भी हार की वजह रही क्योंकि टॉप ऑर्डर ने न्यूजीलैंड परफॉर्म किया था लेकिन लोअर ऑर्डर जो था वो बिल्कुल कमजोर था और 3-4 विकेट गिरने के बाद ताश के पत्तों की तरह विकेट गिर रहे थे। शाहीन अफरीदी और हारिस ने अच्छी गेंदबाजी की आज। शाहीन अफरीदी को 3 विकेट मिले, उसामा को 2 मिले, वसीम जूनियर को 1 मिला, हारिस को 1 मिला, शादाब खान ने 2 क्रूशियल विकेट मिडिल ओवर्स में निकाले आज, हालांकि रन काफी उन्होंने दिए हैं। इधर जब बल्लेबाजी करने पाकिस्तान की टीम आई, आज बाबर आजम का 100वां मैच था, फकर और शान मसूद आए थे, शान मसूद नहीं चले, 20 बॉल में 7 रन बनाकर गए और इसलिए लोगों को इमाम और ज्यादा याद आ रहे थे, तो एक ये भी बड़ी वजह थी। फकर जमान पिछले 3 वनडे मैचेस में एक ही तरह शॉट खेलकर ऊपर आउट हुए हैं, हालांकि आज स्पिनर की बॉल पर आउट हुए, नॉर्मली फास्ट बॉलर के आउट हुए थे लेकिन विकेट कीपर ही उनका 3 मैच से कैच पकड़ रहा है और अब तो टॉम ब्लेंडल जो है वो आदी हो गए कि फकर जमान तो मेरा शिकार है। बाबर आजम का जो विकेट था वो बहुत क्रूशियल विकेट था क्योंकि शिप्ले ने जो वो विकेट निकाला वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था मैच का और वहीं से मैच पलट गया। बाबर आजम का ये 100th वनडे मैच था, 100th वनडे मैच में वो नहीं चल पाए, उसी की वजह से रैंकिंग जो है वो 2 नीचे गई और काफी नुकसान हुआ। और उसके बाद
रिजवान को शिपले ने आउट कर दिया और बाबर रिजवान दोनों को आउट करने का सर यह रहा कि उनका जो टॉप ऑर्डर से आना था वो कमर टूट गया। हालांकि रिजवान को आज चार नंबर पर खेलने का मौका मिला था, वही चार नंबर जिसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी कुछ कहा था। लेकिन उसके बाद आगा सलमान और चिचा ने अच्छी बल्लेबाजी की। आगा सलमान जो है लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर कमजोर है, शादाब खान के बल्ले से रन नहीं निकलते, बाकी भी जो है वो उतना इंपैक्टफुल नहीं है, लेकिन आगा और चिचा ये दोनों इंटरेस्टिंग है। क्या चिचा को खिलाना चाहिए वर्ल्ड कप में? मुझे लगता है शायद वो जाएंगे तो खेलेंगे, मुझे लगता है उन्हें खिलाना चाहिए क्योंकि जिस दिन टॉप ऑर्डर नहीं चलता उस दिन वो अकेले खेल लेते हैं। हालांकि उनकी किस्मत भी थोड़ी खराब है लेकिन मुझे लगता है वो खिलाए जाएंगे और उन्हें टीम में रखा जाएगा क्योंकि आपके पास बाकी भी जितने प्लेयर हैं चाहे वो शादाब हों, नवाज हों या जो भी खिलाड़ी है, वो लंबी पारी नहीं खेल पाते हैं उस तरह से या उतनी इंपैक्टफुल नहीं खेलते हैं। चचा बना देते हैं रन, मतलब डोमिनेट करके मारते हैं बॉलर्स को, तो ये इनकी एक इंटरेस्टिंग क्वालिटी है और पिछले चार छह महीने में इन्होंने बहुत गजब की बल्लेबाजी की है। चाहे वो वहाब रियाज को एक श्रीलंका बांग्लादेश लीग में छक्के 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 मारना हो, छह छक्के शायद मारे थे वहां पर, और या उसके बाद से पीएसएल में नहीं चले थे लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर, पीएसएल में इनका परफॉर्मेंस बहुत ये था, बट अच्छा है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो लीग क्रिकेट में नहीं चलते हैं लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में धागा खोल देते हैं। रोहित शर्मा आईपीएल में उतना इंपैक्टफुल नहीं होते लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, वर्ल्ड कप में तो धागा खोल देते हैं। तो ये एक कहानी रही। इफ्तिकार एक तरफ से रहे, शादाब 14 पे 14 बना के आउट हुए, उसामा मीर आउट हुए और उसके बाद शाहीन अफरीदी पहली बॉल दूसरी बॉल पर आउट हुए, वसीम जूनियर आउट हुए और आखिरी जो रन आउट था वो इसलिए था क्योंकि दो रन लेने थे नहीं ले पाए, स्ट्राइक बचानी थी, 9 विकेट गिर गया था और ये मैच न्यूजीलैंड जीत गया। इसे आप कंसोलेशन प्राइज कह सकते हैं लेकिन पाकिस्तान चार मैच जीतने के बावजूद जो रैंकिंग खोदी उन्होंने, मुझे लगता है उसका उन्हें अफसोस होगा, उन्हें लग रहा होगा कि शायद यार वो नंबर वन रैंक पे हम खत्म करते तो उनके लिए अच्छी फील होती, बाबर के 100वां मैच ऐतिहासिक होता, लेकिन कोई बात नहीं, क्रिकेट लंबी कहानी है। 4-1 से जीतने के लिए पाकिस्तान